हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बेसिकली कल संडे था और घर पूरा मस्ती से भरा रहा क्योंकि काव्यांश आया था अपने पेरेंट्स के साथ और राज भी जयपुर से आए हुए थे, तो हमने पूरा दिन फन और मस्ती के साथ निकाला। काव्यांश के ड्रामे और बहुत चटपटी बातों के साथ और राज की बहुत सारी ब्यूटीफुल कहानियों के साथ पूरा दिन बहुत ही मस्ती में बीता। इसके अलावा हम गुड़गांव जाके आए, अपने लिए फ्लैट देखना था और फिर हम वापस घर आए, हैड डिनर एंड स्लेप्ट। होता है पानी पीने को होता है। किसने बताया? स्कूल में लेगा था। स्कूल में लेगा? किसने बताया? मैम ने। प्रियंका मैम ने या यशिका मैम ने? यशिका मैम ने। अच्छा, कल परसों तुझे यशिका मैम ने जब होमवर्क दिया था तुझे गुस्से में कैसे बोली थी मैम? फिर हंस के कैसे क्या बोली थी बता ना। यशिका तो क्या है काकू तू? स्मार्ट बॉय है। ओह माय गॉड, इतनी दूर से आई और भी बढ़िया स्मार्ट है। थोड़ा इधर आ जा, स्वैग तो दिखा दे। कल की दिखाइए बस आते को दोनों हाथों से। अरे ये मुंह भर गया। ठीक है, पानी है? पानी खा रहा है वो। पानी खा रही है वो, बता। खाने को तो पानी दीदी। पानी खा रही है? पानी क्या करते हैं? पानी पीते हैं। खाते नहीं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं पीने को? वाटर तो बोलते हैं। वाटर को करते क्या है? पीते, पीने को क्या कहते हैं? पीने को क्या? याद कर। मैंने क्यों बोला? तू याद कर। स्पाइडरमैन बादमन जी वर्ड पर ड्रिंक बोलते हैं। ड्रिंक चल काकू, एक बार बॉडी तो दिखा दे। बॉडी कैसे दिखाते हैं वो बॉडी बिल्डर्स? अच्छा ऐसे। और ओके, और शेर तो पागल हो जाता है। एक्सरसाइज कैसे करते जिम में? ये पुश और कैसे? इसको छोड़ ना, गिर गया। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आपके पैर छू रहे हैं? आपके पैर छू रहे? इधर देख, मैं इधर बैठ से मेरे इधर देख। एक स्टोरी सुनाता हूं जान। दो गधे थे, दोनों दोस्त थे, सुन रहा तू? तो उन दोनों गधों को एक तो धोबी ले गया और एक ले गया उसको कुमार। ये दो तीन साल बाद दोनों कुदरती रास्ते में मिल जाते हैं, तो आपस में पूछ रहे होते हैं कि भाई तेरे क्या हाल चाल है, तेरे क्या हाल चाल है। तो धोबी का गधा बोला, बोले भाई मेरे तो बहुत मजे हैं। तो कुमार वाला बोलता है, कैसे? बोले भाई जाते हैं उनके सूखे कपड़े ले जाता है और वजन नहीं होता तो आराम से चला जाता हूँ। घाट पर ले जाके धो लेता है तो बाद में गीले कपड़े लाता है तो उसमें वजन हो जाता है। तो एक साइड तो मैं फ्री रहता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया कट रही है। बोले तेरी कैसे कट रही है? बोला यार मत पूछ, मेरा तो बुरा हाल है। बोला क्या होगा? बोले जाते वक्त तो बाजार बेचने घड़े भर के ले जाता है, तब भी वजन रहता है। आते वक्त घड़े बनाने के लिए मिट्टी भर लाता है वो, तो मेरे पास तब भी वजन रहता है। धोबी का कहता, कहता भाग तो नहीं जाता, छोड़ दे ऐसे। कहरा यार मेरी एक मजबूरी है। बोले क्या? बोले मजबूरी है, कुमार की एक लड़की है, वो पढ़ती लिखती तो है नहीं, तो उसकी माँ कहती रहती है पढ़ ले लिख ले कर कुछ गधे से बैठ। मेरी मजबूरी है, मैं उस लड़की के चक्कर में। किस दिन मेरा नंबर आ जाएगा, मुझसे ब्याह देंगे यार आज।